सब लोग तुम सब क्या बातें कर रहे हो, वो भी मुझे छोड़कर। अरे जंकुक, तुझे छोड़कर क्या कुछ बातें हो सकता है जी? तू मुझे ऐसे बोल रहा है, तू जानता है ना, तुझे छोड़कर हम लोग सबकी कुछ भी बात नहीं हो सकता। जंकुक, ये बात तो सही बोला है। ए बोला, तुझे आने में इतना लेट कैसे हो गया? तू जानता है हम लोग तेरे लिए कब से यहाँ पे वेट कर रहे थे। आज कुछ बहुत ज्यादा न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं, उनका रैंकिंग करना भी तो है हम सबको। मुझे लगता है कि मुझे अब ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, वही अच्छा होगा। क्या तू छोड़ ले अभी ये सब कुछ? ये तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस बारे में सोचना भी मत। इसलिए जंगुक, आज तुझे डेयर करना है तो भूल तो नहीं रहा ना? हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है। अब बोल मुझे क्या डेयर करना पड़ेगा? तुझे कोई भी रैंडम लड़की को किस करना पड़ेगा और उससे बिना थप्पड़ खाए तुझे वापस आना पड़ेगा। क्या मुझे मारेगा थप्पड़? वो भी किसी लड़की में? ऐसा हिम्मत किसी में है? एक तो तेरा डेयर है कि तुझे बिना थप्पड़ खाए आना पड़ेगा। अब देख कौन आता है, और जो भी आएगा, लड़की हो या लड़का, तुझे साथ उसे ही किस करना पड़ सकता है। क्या यहाँ पे लड़का कहाँ से होगा? मेरा मतलब देख, जो भी आएगा रास्ते से, लड़की हो तो तेरे लिए अच्छा होगा, इसलिए मैंने लड़की ही बोला था पहले। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं अभी ये डेयर फुलफिल करके ही लौटूंगा, देख लेना तुम सब। जी मिंटू कहाँ पर है? देख मैं कॉलेज में भी चला आया, बट तुझे आने का टाइम नहीं हुआ। कब आएगा तू? अरे तेरे रुकना, मैं थोड़ी देर बाद ही चला आऊंगा, बट थोड़े से टाइम लग जाएगा। प्लीज रुक जा, मेरे पे गुस्सा मत कर माय बेस्टी, प्लीज। देख मुझे मक्खन लगाना बंद कर। अब तू कब आएगा ये मुझे पहले बता, मैं यहाँ पे ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता। फिर मैं क्लास में चला जाऊंगा, तब तू यहीं पर बैठे रहना। तुझे जो भी काम होगा मुझसे, तब मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा। ओके ठीक है, मुझे ऐसे मत बोल। तू सिर्फ कुछ देर उठ कर देख मैं कैसे जाता हूँ वहाँ पे। कुछ देर में मैं चला जाऊंगा वहाँ पे। अरे मैं जल्दी से, उसके बाद मुझे मेरे मॉम के ससुराल में भी जाना है। क्या तेरी मॉम के ससुराल? हाँ मेरे मॉम ने फाइनली शादी कर ली है, और हम सब वहीं पर रहने वाले हैं। अब जल्दी से आ। ओके ओके मैं आ रहा हूँ। तेजी रास्ते से जा रही थी, उसी रास्ते से जंकुक भी आ रहा था, और जंकुक ने टेकर दे दिया था फास्ट में। तुम कौन हो और तुमने मुझे किस कैसे किया? ओ तुम बेबी गर्ल, सॉरी माफ कर देना, मुझसे गलती हो गया, और आप आपके काम में जाइए। ये क्या बोल के चला गया? अरे मैं बात ही नहीं सुना, मेरा फर्स्ट किस? उसने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। मैं क्या कोई खुली दुकान हूँ जो भी आता है मुझे किस करके चला जाता है? और उसने मेरा फर्स्ट किस कैसे चुराया? देखा, मैंने फाइनली कर दिया तेरा डर पूरा। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या मैंने गलती कर दी? वो जूनियर नहीं थी हमारी, वो हमारी सीनियर थी। क्या सीनियर? हाँ, और तूने उसे किस कर दिया? तो तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए कब से यहाँ पे वेट कर रहा था। हाँ डर, बोलिए आपको क्या बोला था? मुझे इतनी ज्यादा अर्जेंटली क्यों बुला लिया आपने? अरे मैं तुम्हें तुम्हारे न्यू मॉम से मिलाना चाहता था, मैंने शादी कर ली है। क्या आपने शादी कर ली? अरे मुझे बिना बताए और शादी करने की बात आप मुझे बता रहे हैं? आपने कैसे जा? मैं इतनी जल्दी आपकी शादी मान भी लूंगा? देखो मेरे सामने इतना बड़ा गुस्सा मत दिखाओ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, तुम बहुत अच्छे से जानते हो। और एक बात, वो तुम्हारी मॉम है, उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करो, ओके? और रही बात तुम्हारी पसंद की नापसंद की, या तुम चाहते थे या ना चाहते थे, मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने उससे शादी कर ली है। और हाँ तुम्हारा एक दीदी है, सर तो अपने रूम में रेस्ट कर रहा है, उससे भी अच्छे से रिस्पेक्ट देके बात करना। सॉरी डैड, ये मुझसे पॉसिबल नहीं होगा, तुम्हें देना पड़ेगा जंकुक। और नहीं माने तो तुम जानते हो ना मैं कितना ज्यादा बुरा हो सकता हूँ, इसलिए मेरी बात अच्छे से मान लो। हाँ हर वक्त तो मैं आपके बातें ही मानता हूँ, इसलिए एक बात भी मैं मान लेता हूँ कि मेरी एक बड़ी बहन है, एक न्यू मॉम है, सबको लेकर मुझे रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं मेरे घर में, मेरा मतलब मैं रूम में जा रहा हूँ। मैं तो आपके घर में रह रहा हूँ ना, वो रूम शायद मेरा है, इसलिए मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ। क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो भी मेरे रूम में? यहाँ पे आने के लिए किसने बोला? क्या ये तुम्हारा रूम है? सॉरी सॉरी मैं जाता हूँ। नहीं नहीं रुको, ये तो मेरा रूम है, तुम मेरे रूम में अंदर क्या कर रहे हो? क्या
तुम्हारा रूम है? हाँ, ये मेरा रूम है। और तुम मेरे रूम से मुझे निकल जाने के लिए बोल रहे हो? नहीं, असल में मेरे रूम का शावर काम करना बंद कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे रूम में आके सारा ले लूं। और मुझे पता भी नहीं था कि ये तुम्हारा रूम है और तुम ही मेरे वो छोटे से नन्हे से भाई हो। छोटा सा नन्हा सा भाई? मैं तुम्हारा कुछ भाई भाई नहीं हूँ। मुझे इस सब नामों से बिल्कुल भी मत पुकारना। मेरा नाम जंगकुक है। तुम मुझे जंगकुक करके पुकारना, ओके? अगर तुम नहीं पुकार सकते तो कोई बात नहीं, तुम्हें पुकारने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये भाई भाई मुझे बिल्कुल भी मत बोलना। लेकिन तुम तो मुझसे छोटे हो, फिर मैं तुम्हें भाई बोलूँ या जो भी बोलूँ, इससे तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहता। तुम सिर्फ तुम्हारे मैम को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। देखो, मेरा भाई जंगकुक, मैं तो यहीं पर रहने वाला हूँ। तुमने मुझे सुबह जो किस किया, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि डैड को बता ही दूँ कि तुमने तुम्हारी दी को फर्स्ट किस चुरा लिया। देखो, इस सब बारे में डैड को कुछ भी मत बताना। ओके, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब तुम मेरा भाई बन ही गए तो मैं तुम्हें किस कर ही सकता हूँ। मैंने एक बोला था तुम्हें दो किस के दिए, तुम्हें किसे करने बोला था? क्या तुम यहाँ से निकल जाओ। मैंने बोला ना, मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। देखो, मैंने जो बोला उस सुनो। देखो, मुझे लग रहा है छोड़ दो, यानी छोड़ दिया। बट तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे, मैं तो कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। एक छिपकली है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। क्या छिपकली से डर लगता है? एक कुछ छिपकली होकर एक कुछ छिपकली से डरते हो? कैसे लगे हो तुम? कहाँ पर है, कहाँ पर है छिपकली? हाँ, वहीं पर है। तो क्या हुआ उसे? तुम मेरे घर मत देखकर उस तरफ देखो ना, उसे नजर भगाने की कोशिश करो। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, प्लीज उसे भगा दो। उसके बाद तुम जब बोलोगे मैं वो सुन लूंगा। तुम प्लीज उसे भगा दो, मेरी तरफ मत देखो, उस तरफ देखो। अरे देखो, रुको, मुझे देखने दो। जिगुक मत देख, जिगुक बोलो ना, गया क्या है वो? जिगुक बोलो ना। नहीं जिगुक मत देख, देख तेरा चला गया है, अब जल्दी से उतर जाओ। क्या चला गया? सच में चला गया? सच में? थे मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी जैसे इतनी बड़ी लड़की एक छिपकली से डर जाएगी। अब जो पूरी छिपकली जैसे और इसे चिपकती है लड़की, मैं किसी से नहीं चिपकती। और तुम चिपकते हो जैसे मेरे से चिपक गए थे कॉलेज में। अब प्लीज उस बारे को लेकर अब कितने देर तक पड़े रहोगे? अब जल्दी से यहाँ से कपड़े पहनो और पहन के बाहर आओ। और ऐसे भी तुम इस हालत में तुम्हारा फिगर बहुत ज्यादा ही हॉट लग रहा है, इसलिए जल्दी से कपड़े पहन लो, नहीं तो कुछ और भी हो जा सकता है। गेट आउट अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, जस्ट गेट आउट। मैंने जो बोला वो सुनो। अरे मैं तो सच ही बोल रहा था, मैंने जो बोला वो करो, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। सच में मैंने तुम्हारे जैसी लड़की इससे पहले नहीं देखी। अब तो मुझे तुम चाहिए, अब मैं तुम्हें पाके रहूंगा। तुम क्या कर रहे थे? ऐसा ना, मुझे कुछ जरूरी बात करना है। अजमिन, ऐसी क्या सांप निकल रहा है? नहीं, दे कुछ भी नहीं, भूल लगती है, क्या बोल रहा है? ओके, मुझे समझ आ गया तू क्या कर रहा है। अभी मैं कॉल कट कर रहा हूँ, जो बात हुई कल सुबह हुई कॉलेज में। सच में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उसी वक्त वहाँ पे जंगुक चला आता है। जंगुक, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को मेरे रूम पर? दे मुझे ना बहुत जरूरत है। क्या क्या बोल रहे हो सब तुम? तुमने क्या नशा किया है? हाँ, तो थोड़ा सा किया है तुम्हारे वजह से और तुम्हारे उस मॉम की वजह से, थोड़ा सा कर ही लिया। क्या कर सकता था बोलो? फिर अपने रूम में जाओ, जाके सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ओके? लेकिन तुम नहीं थे, मैं नहीं जा सकता। मुझे ना वो बहुत ज्यादा हार्ट फील हो रहा है, इसलिए मुझे तुम चाहिए। जैसा कहो तुम चाहिए। जब इसे तुम क्या बोल रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ तुम ठीक नहीं लग रहे। तुम यहाँ से जाओ, मैंने जो बोला वो करो। तुम जब से जाओ यहाँ से। नहीं थे, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे तुम चाहिए जैसे भी सोचे हो।
ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो तुम मैं बहुत ज्यादा हॉट हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत थी। जंगुक तुम ठीक नहीं लग रहे, अभी के अभी अपने रूम में जाओ। नहीं थे, मैं मेरे रूम में नहीं जा सकता। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहा हूँ। मुझे तुम चाहिए, मतलब चाहिए जैसे भी करते हो, मुझे तुम ट्रस्ट करने में मजबूर मत करो थे। मुझे तुम चाहिए। देखो अभी तुम यहाँ से जाओ, तुम अभी कुछ सोचने की हालत में नहीं हो, अभी तुम नशे में हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकता। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ और इस बारे में तुम सोचना ही मत। तुम जिस बारे में करने के बारे में सोच रहे हो, नहीं इसे कुछ भी नहीं होता। तुम मुझसे बड़े हो तो क्या हुआ? इस बस से एक नंबर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेरे पैसे बचाने की कोशिश मत करो। अगर मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें चाहिए। नहीं जाओ, तुम ऐसे जाओ, नहीं तो मैं बैठ कर बुला लूंगा। नहीं ठीक है, तुम पीना ही नहीं चाहो तो उस टाइम के लिए तुम मुझे तुम्हारा मिल्क भी नहीं दे दो। जगह इसे तुम क्या बोल रहे हो? तुम सच में बहुत ज्यादा नशे में हो, तुम्हारा दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम ये सब के अभी जाओ, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जगह मैंने जो बोला, तुम अभी के अभी ऐसे जाना चाहिए। ओके, अब मुझे मत मना करो। आई वांट यू, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। प्लीज मुझे मत रोको, ये मुझे करने दो। लेकिन जगह तुम मेरी बात को भी तो समझो, ऐसे कैसे हो सकता है? बोलो, तुम जो मांग रहे हो कैसे मैं दे सकता हूँ? देखो भाई, मुझे वो सब कुछ नहीं पता। मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, मैं तो लेके रहूंगा, इसलिए तुम मुझे मना मत करो। ओके फाइन, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन यही फर्स्ट एंड यही लास्ट बार है। ओके, इसके बाद तुम कभी भी ये सब मत बोलना। जंगुक अब मुझे दर्द हो रहा है, अब मुझे छोड़ दे जंगुक, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। उसका अब मुझे दर्द हो रहा है, मैंने बोला छोड़ो मुझे। ये मुझे यू सो टेस्टी, मैंने तुम्हारे साथ और सब कुछ करना चाहता हूँ। नहीं जंगुक, अरे रुक जाओ, ये सब नहीं, प्लीज, ये सब मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। प्लीज जंगुक, डू नॉट, प्लीज, सच में देखना, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, प्लीज मुझे करने दो। मैं भूला नहीं हसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ,
मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। हाँ, बना लिया है तो चलो हम दोनों खा लेते हैं। ऐसे नहीं, कल रात से तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो, आज पेट भरा हुआ शायद हो सकता है। क्या कल रात से मैंने क्या खाया? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। क्या कुछ भी याद नहीं? तुमने क्या किया था? नहीं, कल तो सिर्फ मुझे याद है कि मैंने ड्रिंक किया था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अब तुम मुझे खाना दो, खाने के बाद मैं कॉलेज जाऊंगा। हाँ, वो तो जाओगे, लेकिन कल रात तुमने क्या क्या किया था मेरे साथ अच्छे से याद कर लो। सब कुछ मेरे मना करने के बाद भी नॉन स्टॉप मेरे साथ किए जा रहे थे। मैंने तुम्हें एक बार मौका क्या दिया, तुम तो मौके पर छापा लगाना चाहते थे, क्यों है ना जंकुक? क्या ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी याद नहीं है। कल रात क्या हुआ था हम दोनों के बीच? कल रात क्या कुछ हुआ था हम दोनों के बीच? ओह, तुम्हें ये भी याद नहीं? वाह जंकुक, बहुत अच्छे। फिर तुम्हें मैं कैसे याद दिलाऊं? क्या नहीं, तुम इसका मतलब तुम क्या मुझे याद दिलाने के लिए खींच करोगे? हाँ करूंगा ना, बहुत कुछ करूंगा तुम्हारे साथ। तुम पहले पिक्चर देखना चाहते हो या पिक्चर का ट्रेलर देखना चाहते हो? बिल्कुल ट्रेलर ही दिखा दो, उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चलो, किसे ट्रेलर देखना चाहोगे? चप्पल से, और डंडा भी है मेरे पास, नहीं तो गन भी है, किसे देखना चाहोगे तुम? बोलो, मैं उससे ही दिखाता हूँ, सीधा खोपड़ी फोड़ कर रख दूंगा। नहीं, मुझे कुछ भी याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मेरा खाना भी हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए। जैसे बैठे हो ऐसे खाना खाने के बाद जाओगे, ओके? हाँ अभी खा लेता हूँ। दिन जब तुम खाना खाने के बाद ही तेरे के साथ निकल जाता है उसके पैलेस में। अरे ते तुम, मुझे तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करना है, तुम कब प्लीज सुन लो वो बात। देख कर उसके साथ जो भी बात करना है बाद में कर लेना, उसे अभी क्लास अटेंड करने जाएंगे। क्या जाएगा, तू ऐसे बोल रहा है? तू तो जानता है ना मेरे फीलिंग्स कैसे होते हैं एक एक लड़की के लिए। पहले मुझे मेरे फीलिंग्स तो बताने दे, देखो कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। तू जो भी फील करता है वो कभी तेरा हो नहीं सकता। देख जंगकुक, बीच में मत पड़, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। मानता हूँ तू मेरा फ्रेंड है, इसके लिए ये मतलब नहीं कि तू हर बात पे मुझे टोकेगा, ओके? प्लीज मुझे जो कर रहा हूँ करने दे। मैं ना तुम्हें देखो भाई, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए मुझे रिस्पेक्ट दे के बात करो, मेरे साथ ऐसे बात मत करो, ओके? लेकिन जंगकुक भी तो तुम्हारे साथ ऐसे ही बात कर रहा है ना, और मैं ना तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस वजह से प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, उली मैरी मी कर, प्लीज मेरे साथ शादी कर लो ना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मेरे साथ शादी कर लो, हम दोनों सच में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। देखो भाई, ये सब बकवास मत करो, मैं ये सब कुछ भी नहीं कर सकता, और ना मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ना मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। किंतु उससे क्या हुआ, कल से तुम मैंने तुम्हें देख लिया था और आज तुमने भी मुझे देख लिया, बस इससे तो हम दोनों एक दूसरे की पहचान के हो ही गए ना। फिर तुम्हें मेरा प्रोफेसर एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है थे? कर लो ना एक्सेप्ट। देखो काई, मुझे ऐसे डिस्टर्ब मत करो और मुझे जाने दो। देख काई, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन, तू देखो ऐसे डिस्टर्ब मत कर, बोले तू मेरे बीच में मत आ, मैं आपसे बात कर रहे हैं। तू मेरा फ्रेंड है ना, तू तेरे को समझा ना कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। वो कभी नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा है और मेरा हो चुका है, और इसलिए मैं उसे किसी का होने नहीं दे सकता। देख जनपक, मेरे से पंगा मत ले। काय, इस बार तूने गलती कर दी, मेरी चीज मैं नहीं छोड़ता, तू जानता है ना अच्छे से। मेरे लिए रुक जाओ और मत लड़ो ऐसे, मुझे ऐसे लड़ने में देखने में अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज रुक जाओ मेरे लिए, बस तुम्हारे लिए मैं रुक जाता हूँ। काश मैं तुम्हें सिर्फ तेरे लिए छोड़ दे रहा हूँ, इस वजह से मेरे साथ पंगा मत ले इस बारे में, ओके? तू मेरा फ्रेंड है इसलिए मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, तेरे मेरा है। अब रुक जाओ, और कितना बोलोगे उनसे? और काई, तुम भी एक बार अच्छा जान लो, मैं तुम्हें प्यार व्यार कुछ भी नहीं करता, और अच्छे से हो सके तो अपनी धार पर मेरे सिर लगवा लो, तुम बहुत ज्यादा चोट लगा तुम्हें, मैं तुम दोनों में से किसी का भी नहीं हूँ, इसलिए सोचना बंद करो। फिर तुम तो मेरे साथ घर चलो, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि तुम किसके हो, तुम किसके बन के रहने वाले हो।
पता भी नहीं, तुम मुझे ऐसे कैसे ले सकते हो? आज मुझे कुछ भी क्लास में नहीं गया, फिर हम लोग कॉलेज गए क्यों? पहले तुम मुझे बोलो, तुम किसके हो? तुम मेरे नहीं हो तो किसके हो? सॉपिट जंगो, ये सब तुम क्या पूछ रहे हो? इसका मतलब तुम्हें कल रात के सारे बातें याद आ गए? हाँ, कल रात मैंने जो भी किया था मुझे सब कुछ याद आ गया कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, कहाँ से कहाँ तक गया हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मैं और किसी का होने दो, तुम भी बोल दो कि मैं तो किसी का नहीं हूँ, तुम सिर्फ मेरे होता है। इसके बारे में और ज्यादा सोचने में मत कि तुम और किसी के पास जा सकते हो, तुम सिर्फ मेरे मेरे ही हो। मुझे जंकु स्टॉप इट, तुम अभी गुस्से में हो इस वजह से ऐसा बोल रहे हो। देखो तो मैं गुस्से में नहीं हूँ, तुम्हें क्या प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ? ये सब करके क्या किसी का प्यार साबित करा जा सकता है जनक? हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ये सब करके ही करता हूँ मेरा प्यार साबित। और तुम्हें भी ये समझना पड़ेगा कि तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी का होने नहीं देता। हाँ जनक, ये सब तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो तुम्हारे बड़ी बहन है थी। सो व्हाट दैट, इससे क्या हुआ? इससे यही हुआ कि ये कभी तुम्हारे हो नहीं सकती, तुम कभी तुम्हारे बड़ी बहन का शादी नहीं कर सकते। देखिए आप तो चुप ही रहिए, आपने भी तो मेरे डैड से शादी किया, मैंने क्या आपको कुछ बोला? देखो जब तुम बात को समझ रही हो, आपने भी तो जिसे प्यार किया था उससे शादी किया, फिर आपका प्यार भी तो छोटा है, या आप शादी नहीं कर सकते? देखो लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, तुम और किसके साथ प्यार कर रहे हो, मैं उसके साथ ही तुम्हारी शादी करवा दे सकती थी। बट ये तुम्हारी बड़ी बहन है, इसके बाद क्या सोचा था? पहली बात तो ये कि मैं तेरे को कभी बड़ी बहन मानता ही नहीं था, और तेरे सिर्फ मेरा है। मम्मी क्या जंक से प्यार करते हो? हाँ मम, मैं भी करता हूँ। देखो ते प्यार करके भी कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम दोनों को शादी कभी नहीं करवा दूंगा। और जंकुक आज से तुम इस घर से निकल जाओगे, तुम हमारे उसमें वहां पे रहोगे, यहाँ पे तुम दोनों नहीं रहोगे एक साथ, ते यहीं पर रहेगा। फिर ये सब करके भी आप मुझे अब तक अलग नहीं कर पाएंगे रे, मैं तो ते को मेरे हासिल करके रहूंगा। ते मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है जिससे जंकुक तुम्हारे आस पास भटक भी ना सके। लेकिन क्यों क्यों किया आपने ऐसा? मैंने आपको बोला था ना कि मैं भी उसे प्यार करता हूँ, इस वजह से मैं तो और किसी के साथ शादी नहीं कर सकता। मैं आप दोनों की बात मानकर यहाँ पे रह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बात मान लूंगा। देखो तो तुम्हारी मॉम भी चाहती है कि तुम ये शादी कर लो, इसलिए ये शादी तुम्हें करना ही पड़ेगा। और तुम्हारी शादी में काय के साथ फिक्स किया है? क्या काय? वो भी तो मुझसे छोटा है ना उम्र में, आप कैसे उसके साथ मेरा शादी फिक्स कर सकते हैं? मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। देखो ते तुम्हें तो करना पड़ेगा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि काय बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रहेगा। और रही बात एज की, मेरे पास एज ज्यादा मैटर नहीं करता, बट तुम दोनों भाई बहन हो, इस वजह से मैं तुम्हारे इस रिश्ते को मान कभी नहीं दे सकता। प्लीज तुम मेरे लिए तैयार हो जाओ इस शादी करने के लिए, ये तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का है, मैं तुझे बोल रहा हूँ। तेरे डैड ने देखा है, मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, प्लीज मान जा। ओके मॉम, आपके लिए मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मैं भी इस शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखते आज तेरी शादी है, आज के दिन प्लीज ऐसे मत रुक, तुझे ऐसे देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब प्लीज आप इस शादी को रोक दीजिए, मैं उस काय के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, प्लीज इसे रोक दीजिए। देखते इस शादी में नहीं रोक सकता, ये मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, अगर जंकुक तुझसे सच्चा प्यार करता है तो वो खुद आके तेरे शादी रुकेगा। कि मॉम जंकुक को अगर पता है मेरा शादी होने वाला है, उससे पता होगा तो वो तो मुझे कब का यहाँ से भागा के ले जाता, फिर वो मैं कैसे बोल सकता हूँ? अगर उसे पता है तो तेरे शादी से तुझे भागा के ही ले जाएगा, वो जैसे भी हो तुझे यहाँ से लेके ही जाएगा। तुझे सिर्फ यही बोल सकता हूँ, अगर तुझे जंकुक ऐसे ले जाना है तो तू चले जाना, फिर मैं तेरी शादी को मान लूंगा, तू जंकुक के साथ रह सकता है। बट अगर नहीं आया तो तुझे काय के साथ ही शादी करना पड़ेगा। मतलब मॉम आपको हम दोनों के रिलेशनशिप से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है? और डैड वो भी क्या मान लेंगे?
देखते अगर वो नहीं माने तो मैं ये 10 नंबर के चप्पल से उसे मना लूंगा। साथी फाइनली तुम्हारे साथ मेरे साथ ही हो रहा है, फिर चलो हम लोग जाते हैं। के बच्चे कहाँ पर है तू? जल्दी से आना नहीं तो ये मुझसे सीधी में शादी कर लेगा। कौन है और यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? तुम आ ही गए। सॉरी आने में थोड़ा सा लेट हो गया। देख क्या करो बोलो, बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था इस वजह से। डोंट वरी थे, अब ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम पागल खाने से आए हो, गम के मारे पागल हो गए थे शायद। अब तुम वहां पे लौट जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। आई लव यू थे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहना चाहता हूँ। तुम क्या मुझे बोल रहे हो? हट मेरे सामने से। ठीक अब जल्दी से चलो, हमारे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है। मैं जंगकुक जंगकुक टी को लेकर भाग रहा है, और जल्दी से हमें रोकना पड़ेगा। चलो अगर एक कदम भी आपने आगे बढ़ाया ना, मेरा 10 नंबर के चप्पल से आप ऐसे मार खाएंगे दोनों दिन बिस्तर से उठ भी नहीं पाएंगे। जीनू तुम्हारा चप्पल का नंबर 7 है, जो भी हो। जंगकुक ये तुमने मुझे कहाँ पर लेके आए? ये हम दोनों की वेडिंग हॉल है, आज ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा थे, और मैं काल को कभी भी हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा। क्या जंगकुक सच में? लेकिन मॉम मॉम नहीं जाएंगे हमारी शादी में? जरूर आएंगे, डोंट वरी, उन्होंने हम दोनों को मिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प किया है, उन्हें तो आना ही पड़ेगा, और उन्हें बोला भी कि आएंगे। फिर तुम जाओ जब तैयार हो लो। ठीक है जंगकुक। जंगकुक मुझे माफ कर दे, मैं शायद तुम दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था। मुझे लग रहा था कि ये सब सही नहीं होगा, इस वजह से ऐसा कर रहा था। इट्स ओके डैड, मुझे लगता है कि आपको ही पता चल गया कि जिन मैम की असली बेटी थी नहीं है। हाँ मुझे भी पता चल गया, लेकिन देखो तेको कभी भी इस बार ये पता नहीं चलना चाहिए। इट्स ओके मैम, इस बार ये तेको कभी मैं पता चलने नहीं दूंगा, बिकॉज शी इज माई लाइफ, और मैं मेरे लाइफ को कभी गम में देखना नहीं चाहता ना। हाय तो इतने दिन के बाद हम दोनों एक हो गए। इसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थे आई लव यू, थे लव यू। सच में देखो तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, फिर तुम क्या मेरे लिए मर सकते हो? क्या तुम सच में डर गए जंगकुक इस बात से? क्या थे? मैं डरूंगा अभी मरने से? मैं तुम्हारे लिए हजारों बार मरने के लिए तैयार हूँ, बट उसके बाद भी मैं तुम्हारा ही रहूंगा, और तुम तो मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, जरूरत पड़े तो मैं आत्मा बन के तुम्हारे सर में नाचूंगा, जैसे अब नाच रही हो। हाँ ऐसे ही नाचूंगा। मैं भी तुम्हारी बिना कभी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस कुछ दिनों के अंदर मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करने लग गया कि तुम्हारे बिना मेरा जीना ही मुश्किल हो गया है। सच में मेरी जान, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। क्या ऐसी बात है? अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं।
वो ही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से। आई होप आई मीन आप सबको ये कॉन्सेप्ट पसंद आएगी, और पसंद तो प्लीज इस स्टोरी को लाइक कर देना, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड कमेंट भी।